हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड एंड टाइगर। रोड एंड टाइगर के पिछले एपिसोड में आपने अब तक देखा था कि हम जयपुर से जवाई के लिए निकले थे और अब हम जवाई पहुंच गए हैं। जवाई में मैं जहां मेरा स्टे है मैं वहां पे जा रहा हूं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और यहां से इसके बाद शायद हम लोग क्या 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 एक्टिविटी करते हैं, मैं क्या क्या और एक्टिविटी यहां पे करूंगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ नॉलेजेबल बात है जो हमारे को मालूम चल सकती है, कुछ और नई चीज़ें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, वो वाला ये एपिसोड में देखेंगे। तो जवाई की ये सीरीज उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी और आगे भी पसंद आते रहेगी। बड़ा ही खाली खाली सा और सिक्योरिटेड सा जगह लग रहा है, जैसे लग रहा है यहाँ पे कोई है ही नहीं। हालांकि बीच बीच में गांव वाले अपने बाइक से या कुछ गाड़ियों से यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। मेरा जो स्टे है यहाँ से कहीं 12 किलोमीटर अभी और है, और अगर ऐसा ही रास्ता है तो ये वाला रास्ता भी शानदार होने वाला है। मुझे तो ऐसा ग्रामीण सड़क, ऐसी छुपी हुई सी जगह जहाँ लोग कम हो, भीड़ कम हो, ऐसा जगह मुझे बहुत पसंद आता है। ये सड़क जो है वो गड्ढे हैं काफ़ी बड़े बड़े, छोटी गाड़ी जो है उसका अड़ने का खतरा रहेगा, लेकिन मेरी गाड़ी अभी तक ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है ऐसे रास्ते पर, कभी कोई दिक्कत तो हुई नहीं है। और ऐसे गड्ढे वाले रास्तों में जैसे यहाँ पे खड़बड़ खड़बड़ सा का रास्ता हो इसे फिर भी दिक्कत होती है, लेकिन जहाँ पे जैसे ये है, ये गड्ढे में घुसा और ये गड्ढे से निकल गया, इनमें कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, स्पीड ज़रूर कम हो जाती है। तो ये जो 12 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वही मेरे को गूगल पे 20 मिनट का दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जैसा रास्ता है। इस कारण से देखो इतनी बड़े बड़े से गड्ढे, पूरी गाड़ी हिल गई हमारी। बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे गांव हम क्रॉस कर रहे हैं, पहले भी कुछ गांव मैंने क्रॉस किया और ये अभी एक और कोई गांव है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में ट्रेन निकल रही है, शायद थोड़ा सा आपके कैमरे में आया होगा। अभी रेलवे ट्रैक के नीचे से हम लोग अभी हमने क्रॉस किया है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा यार, जिस तरह का ये रोड ख़राब है, बरसात में तो यहाँ पे हालत ख़राब है, गाड़ी तो नहीं निकल सकता है ऐसे रोड पे, पर कीचड़ कीचड़ जाता होगा बरसातों में। हाँ, लेकिन अभी धूप है बिल्कुल, बरसात का नामो निशान नहीं है, तो यहाँ पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। बेड़ा अभी 5 किलोमीटर और है, 6 किलोमीटर और है यहाँ से, और हम लोग शायद बेड़ा की तरफ ही जा रहे हैं। यार समझ में नहीं आ रहा है, एक बार को तो लगा कि बिल्कुल हम लोग जवाई पहुंच गए, और वहां से वापस से ये किसी दूसरी पक्की सड़क पे आ गया, हम लोग उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और ये स्टेट हाईवे आ गया, यहाँ पे टोल है। अब ये टोल क्रॉस करके तो फिर हमें आगे जाना है, एग्जैक्टली वहाँ पहुँचेंगे तो ही मालूम चलेगा। शायद इस जगह का नाम कोठार है अभी जहाँ पे हम लोग हैं, तो बाकी ये टोल वाले भैया से पूछेंगे अभी हम कि जगह का नाम क्या है। अप डाउन दोगे क्या? दोगे अप डाउन दे दो, यहाँ फास्टैग नहीं चलता भैया। जगह का नाम क्या है? हाँ बराबर, कोठार आगे है। ये कोठार विलेज आ गया है, यहीं पे हमारा स्टे है और यहाँ से ये चट्टान के ऊपर से जाना है, नीचे जाना है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं तो चट्टान के ऊपर, नॉर्मल रास्ता नहीं है, गाड़ी जा रही है हमारी यहाँ से।
ऐसा है कि नहा धो के खाना वाना खा के हो गया हूँ मैं बिल्कुल रेडी, और अब मैं वेट कर रहा हूँ अपनी जिप्सी का। हमारी जीप अभी आएगी और जीप में अभी हम लोग सफारी के लिए निकलेंगे। तो ये पहले डैम साइट के लिए लेके जाएंगे और फिर लेपर्ड सफारी कराएंगे। कैसा क्या रहता है वो अभी हम लोग देखेंगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में। अभी या तो ये कंटिन्यू रहेगा या इसके बाद के आप जो है वो जीप सफारी देखेंगे। और जैसा रहता है कि फ्लो में चलते हैं और आपको बताते रहते हैं। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल उजाड़ जैसा है, मतलब वनस्पति यहाँ बहुत कम है और इस तरह रॉकी माउंटेन्स हैं, ऐसे पहाड़ और ग्रेनाइट के जो पहाड़ है पत्थर इस तरह के आपको हर जगह मिलेंगे। हाँ, ये मतलब कटीले झाड़ी और कटीले पेड़ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। भैया अभी बता रहे थे कि यहाँ पे 90% टाइम पे जो भी जीप जाती है शाम को उनको लेपर्ड दिख जाता है। ऐसा नहीं होता है कि लेपर्ड आपको नहीं दिखेगा। 90% साइटिंग तो खैर बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो गया। बाकी इसी प्रॉपर्टी का ये साइड का इलाका है, आई थिंक इधर मैं एक बार जा रहा हूँ इस तरफ से, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, आई थिंक मैं ये रॉक पे ऊपर जा सकता हूँ। हाँ, ऐसा ही कुछ है, यहाँ ऊपर जाके एक बार चेक करते हैं कैसा क्या है, आपको भी दिखाते हैं। बाकी अगर मैं साइड्स में अगर देखूँ तो यहाँ इस जगह पे खेती हो रही है, लेकिन खेती के लिए ना प्रॉपर जगह नहीं है यहाँ पे। क्यों जगह नहीं है? क्योंकि खेत है, फिर पहाड़ है, वो पत्थर है, केव्स है। इस तरफ भी अगर आप देखें इधर भी वैसी कटीली झाड़ियाँ हैं और गांव का इलाका उस तरफ थोड़ा बहुत है वहाँ पे। और ये सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो सीढ़ियों के थ्रू मैं अभी ये ऊपर आ गया हूँ। ऐसे हवा तेज़ है यहाँ पे, तो हो सकता है मेरी आवाज़ आपको ठीक से नहीं आ रही होगी।